अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई। नहीं नहीं भाई, मैं क्या मतलब है, क्या आज के लिए हेलो वेलकम कुछ भी नहीं। आज हम सीधी बात करने वाले, हम बात करने वाले हैं जो भी बिग बॉस में हुआ उसके बारे में। वो मैं नहीं बोला यार, इट्स ओके, रिलैक्स। मैं नहीं बोला वो मैं। देखो सबको पता है इसमें विशाल की इतनी बड़ी गलती नहीं थी और मेरे हिसाब से तो उसकी गलती भी नहीं थी। मुझे ये बताओ भेंचो, अगर कोई अच्छा लगता है तो उसे अच्छा बोलने में क्या दिक्कत है? क्या सो है भेंचो और कटरिया भाई, उनके भाईचारे की तो हम बाद में बात करेंगे। दोस्त है ना मेरा, हाँ दोस्त है ना, मैं तेरे कान में क्या बोला? कृतिका वहाँ अच्छी लगती है। मैंने क्या गलत बोला? अगर मुझे वो अच्छी लगती है बोलना गलत है तो कैसे भेंचो कैसे? मैं बोल रहा हूँ भेंचो मुझे आलिया भट्ट अच्छी लगती है, मुझे कैटरीना कैफ अच्छी लगती है। चलो कैटरीना तो शादीशुदा भी है तो क्या मैं गलत हुआ? अब विक्की कौशल आके मेरे को मारेगा, अजी लंड मेरा, क्योंकि मैं गलत हुई नहीं। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, अच्छे वे में बोला मैंने। मान लो अगर विशाल बोलता कि मुझे अरमान भाई बहुत अच्छे लगते हैं पर उसके लिए मैं गिल्टी भी फील कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे वे में, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके साथ शादी करना चाहता है, वो उसके साथ रात बिताना चाहता है, वो तो नीचा आदमी। पर अगर किसी को पसंद करना गलत बात है तो तुम्हारे इतने फॉलोवर किस बात के हैं? क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं इसलिए तुम्हें फॉलो करते हैं, इसका मतलब सबकी सोच घटिया हो गई, वो सब तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं। बात तो सही है। अरे भाई अगर तुम लोगों के सामने जाओगे तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना। अगर तुम्हें लोगों के ओपिनियन से इतनी दिक्कत है तो मत जाना लोगों के सामने, किसने बोला है वीडियो बनाने को, मत बनाना वीडियो, भेजो कर लो अपना काम प्राइवेट। लेकिन नहीं, हमें तो अपनी काम दिखानी, और कोई बोलेगा तो उससे बोल देंगे भाई तेरी सोच घटिया, तो ठग की आदमी है, तू नीच आदमी है। और ये अरमान मलिक, इसने अच्छा काम किया क्या? ये खुद अपनी बीवी को धोखा देकर बैठा है। अब 7 दिन में तो आजकल के निब्बा निब्बियों को प्यार नहीं होता है, तेरी तो फिर भी शादी हो गई थी ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई। एक आदमी बोल रहा है उसे कोई पसंद है तो वो गलत बात है, लेकिन इधर घर पे आए हुए मेहमान को 7 दिनों में पेल फुला के फटा फटा के शादी कर लेना, ये सही है? बताओ भेंचो, 7 दिन के लिए कोई मेहमान घर पे आया उसे घर ही नहीं जाने दिया, ये ठीक बात है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भेंचो को घर पे मेहमान आया उससे शादी कर ली, वो भी खुद शादीशुदा होने के बावजूद भी, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोई किसी को पसंद करता ये गलत बात है। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? और ये भेंचो अरमान बताओ, इसका ऐसा कौन सा गुस्सा है जो चाय पीने के बाद आया? नहीं पहले चाय पी लेता हूँ फिर उसको देखूंगा। भाई अगर मैं चाय पी लूँ फिर मैं उसको सामने बिठा के बात करूंगा। मतलब तेरी बीवी को कोई छेड़ रहा है और तू जाके चाय पिएगा? नहीं, ऐसा कौन सा गुस्सा आएगा तेरे को चाय पीने के बाद? एक्टिंग है। और अगर विशाल गलत है तो इसे तो फांसी होनी चाहिए भेंचो, क्योंकि ये तो खुद एक लड़की को धोखा देके बैठा हुआ है। कभी कितने नीच हो तुम यार, तुम्हारा पेट नहीं भरता, एक औरत से 2 औरत से 10 शादियां करोगे क्या? तुम जैसे मादर चौदह को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है बहन चौद। अब आते हैं हमारे कटरिया भाई। एक जमाना था यार जब इलियास भाई बिग बॉस में गए थे, दोस्त हो तो कटरिया जैसा भाईचारा टॉप ये हो, लेकिन आज मैं खुलेआम बोलता हूँ जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले लेकिन कटरिया जैसा दोस्त बिल्कुल ना मिलना चाहिए। ये क्या बात करता है यार? अगर भाई तो अपने दोस्तों को सपोर्ट नहीं कर सकता तो उसे उल्टा फंसा क्यों रहा है? या फिर तुझे ऐसा लगता है कि विशाल तेरा कॉम्पिटिटर है? ये गड़बड़ है बाबा। अरे जी भाईचारे वाला आदमी है यार, लेकिन इन्हें भाई का मतलब ही नहीं पता। देखो भाई इस आदमी का ना मैं दिल से फैन था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस आदमी को ना भाई का मतलब ही नहीं पता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब अगर तू सपोर्ट नहीं कर सकता तो रियलिटी तो बता देता, लेकिन उसे उल्टा फंसाया क्यों? बिल्कुल लगा, मुझे लगा बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये लगा कि नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल, तो मतलब गलत था वो, गलत था, तो गलत उसके था। बाद उसका क्या, जब तूने बोला गलत है उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था? वो बात वहीं पे खत्म हो गई ना, कुछ और बात कंटिन्यू होगी। मेरे कहने का बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। सच बात नहीं पता थी तो मना कर देते, लेकिन तुम अभी कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे अपने दोस्तों को नहीं बचा सकते तो मत बचाओ, लेकिन उसे उल्टा फंसाओ तो मत। कहने का मतलब है उसके बाद उसने क्लेरिफाई किया उस वक्त तेरे को, अरे मेरा ये मतलब नहीं था या ऐसा कुछ? जहां तक मुझे लगता नहीं, मैं अच्छे वे में बोला मैंने। इन्होंने बहुत बार बोला है कि विशाल मेरा दोस्त है मेरा भाई है, लेकिन जब निभाने की बात आई विशाल ने दिल से निभाया, लेकिन कटा गया जी मां सुधार तेरी दोस्ती, मुझे बुरा नहीं बनना दुनिया की नजरों में। बड़ा हरामी हो बेटा, अच्छे वे में बोला मैंने। कोई तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे सामने हाथ लगाए तो तुम देखोगे? अरे लोग दोस्ती में जान देते हैं यार, और तुम बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई। नहीं नहीं भाई, मैं चलो भाई ये सब छोड़ो यार, पता लग गया कटरा की भी दोस्ती आज के लिए इतना ही बहुत है। और सीधी सी बात है, विशाल के साथ गलत हुआ है, उसे जस्टिस मिलना चाहिए। बात खत्म।